बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जुहैब इदरीस और आप देख रहे हैं जुहैब इदरीस फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी की रेसिपी, जो कि गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है। और अरवी जो है इसको सब लोग ही पसंद करते हैं, और अरवी को हम फ्राई करके बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम अरवी को फ्राई करेंगे। तो अरवी जो है वो मैंने 1 किलो ली है और उसको अपनी खूबसूरत सी पतीली में ऐड कर दी है, और अरवी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसके जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऑयल जो है इसमें जितना वो उतना ही कम होता है। खुले ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और हम अरवी को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तिल्ली को मैंने चूल्हे पर दोबारा फिर चढ़ा लिया और उसमें ऐड कर दिए हैं प्याज और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के, और हम प्याजों को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो उसके बाद जाएगा इसमें भी हरी मिर्च, तो अब हम इसमें अपने मसाला जात ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, और हम इसको अच्छे से हला लेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पतीली के साथ लग रहे थे इसलिए। पिसी हुई मिर्च जाएगी, और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 2 चम्मच जो है वो हम नमक के ऐड करेंगे, और नमक को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हला लेंगे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। इस तरह से पतीली के साथ हमारा ये जो मसाला है वो नहीं लगेगा, और हम मसाले को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें आलूओं को ऐड कर लेंगे। आलूओं को ऐड करने के बाद हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से हलाएंगे ताकि आलू जो है वो मसाले में यकजा हो जाए। तो ये देखिए आलू जो है वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं, पक गए हैं। तो अब हम इसमें अपनी अरवी को ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके अलग बर्तन में निकाल ली थी। तो इस तरह से हम इसको हलाएंगे अच्छे से। ताकि हमारी अरवी जो है वो पतीली के साथ ना लगे, और हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से ही भून लेंगे। तो इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास, और पानी को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हलाएंगे, और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
क्योंकि अरबी जो है वो शोरबे वाली बना रहे हैं, इसी वजह से पानी हमने ज़्यादा ऐड किया है। तो ये देखें ग्लास जो है वो पानी का एक रह चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो अरवी है वो बहुत ही मज़े की और लुक वेरी फंटेस्टिक। और अरवी को बनाने का सही तरीका भी फ्राई करके ही बनाने का है।